हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अभी बजे हैं 12:30। अभी नाना धोना कुछ भी नहीं हुआ था, सो मुझे करनी थी गेहूँ की सफाई, क्योंकि चून जो आटा होता है वो ख़त्म हो चुका था और कल करनी थी, लेकिन कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं आ रही है, आप सभी को पता है। सो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे, इसलिए कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो आज अभी अभी मेरी बेटी सो गई थी और उसको उठने के बाद मम्मी के पास छोड़ कर आई हूँ, और अब मैं इनकी सफाई करूँगी, फिर नाना धोना होगा। देखते हैं वो कितनी देर वहाँ पर रुकती है। तो सबसे पहले टंकी से जो होती है, सभी के घर में होती है, जहाँ पर गेहूँ को स्टोर किया जाता है, तो उससे मैं गेहूँ को निकाल रही हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं, और मुझे पूरा एक कट्टा यानी कि एक बोरा गेहूं का करना है, जो कि 15 से 20 दिन तक चल जाता है। हर 15 से 20 दिन के अंदर एक बार आटा पिसवाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर इतने सारे गेहूं निकाल लिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले ली है एक छलनी, और इस छलनी से क्या होता है कि जो भी गेहूं के अंदर गर्द जो धूल होती है, मिट्टी तो नहीं होती लेकिन धूल वगैरह होती है, वो निकल जाती है। और जो ऊपर जो एक्स्ट्रा बीज होते हैं गेहूं के अलावा, पालक वगैरह के बीज आ जाते हैं, जो जई आ जाती है, तो वो सारे मैं निकाल लूँगी। तो इस तरह से मैंने थोड़े थोड़े गेहूं छलनी से निकालते हुए छान रही हूँ, ताकि जो भी गंदगी होती है वो निकल जाए। अब मैं ढूंढ रही थी बोरा जिसके अंदर मुझे डालने थे गेहूं, दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं इधर उधर घूम रही थी और मुझे एक बोरा दूसरा मिल गया। पहले आटा डालते थे वो नहीं मिला, मैं दूसरे में डालकर रख दूंगी, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा था कहाँ पर रखा हुआ है। सो मैं बोरा तो लेकर आ गई थी, और अब मैं इनकी सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे को एलर्जी सी होने लग गई थी, गेहूं के अंदर जो बहुत ज़्यादा धूल वगैरह आती है तो वो मेरे को एलर्जी करती है। मैंने आपको कई बार बता दिया है मेरे को फेस एलर्जी भी है, गर्द मिट्टी का, जो धूल मिट्टी का काम करती हूँ, तो उसकी वजह से पिंपल्स वगैरह आ जाती हैं। और वैसे भी मेरा फेस काफ़ी ख़राब हो रहा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे गेहूँ वगैरह की कटाई हो रही है। वो भी वीडियो डालूंगी कि मैं 2-3 दिन से वीडियो क्यों नहीं बना पा रही थी। हमारे यहाँ पर जैसे फसल वगैरह की जाती है, वैसे तो मजदूर लोग करते हैं, बट फिर भी घर में बहुत सारा काम हो जाता है, उनके पीछे पीछे सब कुछ करना पड़ता है। तो अभी अभी कल ही हमारे यहाँ पर गेहूं की कटाई हुई है, और आज तूरा वगैरह डालेंगे जो पशुओं का होता है, तो जिसकी वजह से प्रॉपर रूप से वीडियो नहीं बना पा रही थी। और मुझे दिल्ली भी जाना था, वहाँ की मैं थोड़ा बहुत ही शूट कर पाई थी, बहुत सारी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। और क्या करने गई थी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब मैं आपको रेगुलर वीडियो देने की कोशिश करूँगी। बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, बहुत सारा मतलब बखेड़ा सा हो रहा है घर के अंदर अंदर भूत, तो बहुत सारा काम हो रहा था, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो मैं यहाँ पर कर लेती हूँ गेहूँ की सफाई। तो आप इंजॉय करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता। जब आप हमें सपोर्ट नहीं करते तो वीडियो अच्छी अच्छी तभी आएगी अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे। अच्छी अच्छी क्लीनिंग वीडियो, फैशन से रिलेटेड वीडियो, चैलेंजिंग वीडियो, और भी बहुत सारी वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। मेरे फैमिली के बारे में, मेरे फैमिली से रिगार्डिंग वीडियो भी लेकर आऊँगी, अच्छी अच्छी मतलब फैमिली से तभी मिलाऊँगी अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे। कुछ अच्छे खासे थोड़े बहुत सब्सक्राइब बढ़ेंगे, सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं फिर भी व्यूज भी नहीं आते इतने अच्छे। और लोगों को देखो कितने अच्छे अच्छे व्यूज आ रहे हैं। तो प्लीज़ जैसे आप दूसरों को सपोर्ट करते हैं वैसे ही मुझे सपोर्ट करें, ताकि कुछ कर सकूं। अभी बातें करते करते मैंने आधा बोरा भर दिया है, आधा तो नहीं हुआ है, थोड़ा कम हुआ है। आधा पौन घंटा लग जाता है गेहूं की सफाई करने में, और मुझे बार बार बाहर ऐसे देख रही थी, क्योंकि मेरी बेटी आने वाली थी, वो ज़्यादा देर तक नहीं रुकती है, और वो आ जाएगी फिर मुझे नहाने भी नहीं देगी।
और एक बार जब गेहूं की सफाई होती है तो इतना ज़्यादा गर्द हो जाता है शरीर के अंदर, फिर मतलब इरिटेशन, खुजली सी होना स्टार्ट हो जाती है, तो नाना भी ज़रूरी होगा। तो देखती हूँ कितनी देर में आ जाती है, तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ सफाई। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रही हूँ, आप इंजॉय करना वीडियो को लास्ट तक देखना, और बस। तो मैंने बहुत सारे गेहूं की सफाई कर ली है, और मैं ये बाल्टी लेकर आ गई थी क्योंकि बोरे के अंदर बार बार इससे गेहूं डालने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं एक बार इस बाल्टी को भर देती हूं और उसके बाद बोरे के अंदर डाल लेती हूं। तो इसी तरह से मैंने सारे गेहूं को साफ़ कर लिया था, और जो ये नीचे के बच जाएंगे वो पशुओं के दलिए में काम आ जाते हैं, जो पशुओं के लिए दलिया डाला जाता है। तो ये मेरी बाल्टी फुल हो गई थी, और मैं देखो किस तरह से डाल रही हूँ, क्योंकि ये 25 किलो की बाल्टी है और अकेले डालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, वैसे दिक्कत नहीं होती लेकिन ये बोरा है ये नीचे बार बार आ रहा था। सो बस आज के वीडियो में इतना ही है।